स्वतंत्र भविष्य मी तुला नाही आवू शकत. तुम्हाला बाकीच्या सारखं समजू नको. तू ब्राह्मी कावा करायला जाशील, बाकीच्या ब्राह्मणाला काय नाही करणार. तुला सुट्टी नाही, तुला आयुष्यातून उठून पुऱ्या. जर असं म्हटलं की मराठा आरक्षण. नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई जब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे हर किसी का ध्यान खींचा. उन्होंने कहा, हम तो भगवान शिव को मानते हैं, जहर भी पीते हैं और फिर जीते हैं. यह बयान न केवल एक धार्मिक प्रतीक से जुड़ा है बल्कि फडणवीस के राजनीतिक जीवन की एक गहरी छवि को भी उभार रहा है. यह बताता है कि किस तरह उन्होंने राजनीति के मुश्किल दौर में धैर्य रखा, संघर्षों का सामना किया और फिर भी वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे. 2014 में जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से लेकर आज तक फडणवीस ने राज्य के विकास और समाज के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए. इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा मराठा आरक्षण का मुद्दा. एक ऐसा मुद्दा जिसने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बल्कि समाज को भी एक बार झकझोरा है. फडणवीस ने इस चुनौती का सामना करते हुए सारथी संस्था की नींव रखी जिसका उद्देश्य था मराठा युवाओं को शिक्षित और व्यावसायिक अवसर प्रदान करना. इसी के साथ अन्ना साहेब पाटिल महामंडल के माध्यम से उन्होंने मराठा समाज को कर्ज योजनाओं का लाभ पहुंचाया. इस योजनाओं का मकसद था मराठा समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करना और सामाजिक विकास की गति. आइए जानते हैं फडणवीस जी ने क्या कहा. हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन. अमित शाह यांचं ट्विट आलेलं आहे, अतिशय बोलकस ट्विट आहे. भाजपा अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा जी के कहने पर ही श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है. यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है. इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ. सभागृहाला आणि महाराष्ट्राला मराठा समाजाच्या संदर्भात मी काय केलं नीट माहिती आहे. मराठा समाजाला मी आरक्षण दिलं, त्या सभागृहाने दिलं, मी मुख्यमंत्री होतो. ते हायकोर्टात टिकवलं, जोपर्यंत मुख्यमंत्री होतो सुप्रीम कोर्टात टिकवलं. त्या ठिकाणी सारखी संस्था सुरू करणं असेल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कर्ज देणं असेल, या सगळ्या योजना त्या काळामध्ये आपण सुरू केल्या. तू ब्राह्मी कावा करायला जाशील, बाकीच्या ब्राह्मणाला काय नाही करणार. तुला सुट्टी नाही, तुला आयुष्यातून उठून पुऱ्या. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींनी जर असं म्हटलं की मराठा आरक्षणाकरता कुठलाही निर्णय घ्यायचा तर मी प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न मी थांबवला तर त्या क्षणी माझ्या पदाचाही राजीनामा देईल आणि राजकारणात देखील गुंतवतो. हम तो भगवान शिव को मानने वाले, इसलिए जहर भी पीते है और फिर भी जीते है. जैसा कि आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत तीखा बयान दिया है, हम भगवान शिव को मानते हैं, जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं. तो उनका इशारा साफ था, वो कहना क्या चाहते हैं. राजनीति के कठिन दौर पर विरोधियों के हमलों के बावजूद भी वो अडिग रहे, महाराष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर. यह बयान उनके राजनीतिक सफर और संघर्ष व्यक्तित्व का प्रतीक.
तो यह थी आज की बड़ी खबर। बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ, जानिए देश दुनिया से बड़ी खबर। मैं हूँ आलोक शुक्ला, धन्यवाद।